तो चलिए फ्रेंड्स, 2:30 बजे के आसपास मैं अपने रूम में पहुंचा और उसके बाद मैं अभी मैं आप मेरे पीछे में देख रहे हैं ये गैंगटॉक। तो आई लव गैंगटॉक, ये आपको किस जगह पर मिलेगा? ये मिलेगा MG मार्ग, MG रोड, जिसको हम MG रोड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी आया हुआ हूँ। तो इसमें MG रोड गैंगटॉक का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर है। तो यहाँ जैसे आपको पूरे स्टेट में काफ़ी अच्छे अच्छे रूल्स हैं, इसलिए आपको यहाँ काफ़ी क्लीनिंग मिलेगा। आप देखिए इतने सारे लोग इधर में हैं, लेकिन आपको ऐसा गंदगी इधर में कहीं मिलेगा नहीं। तो उसके लिए क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे पॉलीथीन का जो यूज़ है वो पूरी तरह से बैन कर रखा है। तो लोग भी उसको काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हैं। आप देखिए जगह जगह पर डस्टबिन रखा हुआ है, तो डस्टबिन सभी लोग यूज़ कर रहे हैं और उसी में अपने जो गार्बेजेस हैं, जो प्लास्टिक बैग्स हैं, तो उसी में फेंक रहे हैं। तो आप देखिए कोई भी आपको किसी और जगह पे इधर उधर फेंका हुआ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स है। हर जगह पे अगर ऐसे ही होगा तो सब जगह क्लीन रहेगा। तो क्लीन होने की वजह से ये और ज़्यादा इसमें ब्यूटी इसका और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप देख ही रहे हैं अभी कितना अच्छा ये देखने में लग रहा है और यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा था कि यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा, लेकिन टेम्परेचर तो उतना डाउन नहीं है, 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जैकेट पहन के बाहर निकलना पड़े, एक प्लीजेंट वेदर है। तो शायद आप और जो टॉप मोस्ट जो पॉइंट्स हैं उस पे जाएंगे तो शायद आपको थोड़ा टेम्परेचर कम मिलेगा। तो इसमें प्लीजेंट वेदर है, आप यहाँ पे आराम से अभी इस टाइम में जो ये मई का जो मंथ है, मतलब 24 मई है आज, तो इस टाइम में आप आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम होगा नहीं। और जो मेरा होटल है वो यहाँ से पास में ही है, लेकिन इधर में क्या है कि गैंगटॉक में कोई भी चीज़ आपको एक लेवल में नहीं रहता है, कोई चीज़ का हाइट बहुत ज़्यादा है, किसी का हाइट बहुत कम है। तो मेरा जो होटल है वो डाउन साइड में है, अगर हम MG रोड से उसको कंपेयर करेंगे तो 500 मीटर या 600 मीटर के आसपास में वो होटल है। मैं होटल का भी आपको टूर दूँगा। होटल जो है उसका नाम है होटल बेरीज़। तो ये सभी जितने इम्पॉर्टेंट जो मैं कहाँ स्टे किया या जो जैसे मैं SNT बस स्टैंड से जो मैंने बस पकड़ी थी उसकी बुकिंग कैसे होगी, वो सभी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। होटल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, तो आप उसको चेकआउट कर लेना। और होटल बेरीज जो है ये ऑल इंडिया रेडियो स्टाफ क्वार्टर्स है, उसके पास में है। तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल होटल है, मतलब अभी आप पीक सीज़न है, उसके बाद भी इस होटल का प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो इसीलिए काफ़ी इकोनॉमिकल वे में ये होटल्स जो है वो मेरे को मिल गया। और बाकी SNT जो बस थी उसका भी बहुत ही इकोनॉमिकल फेयर है। नॉन AC बस होती है वो 190 रुपीस का है फेयर, और जो AC बस है वो 350 रुपीस का उनका फेयर होता है। तो आप देखेंगे इस तरह से काफ़ी इकोनॉमिकल एक तरह से मेरा टूर हो रहा है। तो इकोनॉमिकल टूर, बजट फ्रेंडली टूर आप इसको बोल सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं अपना ये टूर कर रहा हूँ। तो चलिए अभी आप MG रोड का एक लुकआउट मैं आपको देता हूँ। तो नेक्स्ट फिर आप MG रोड देखिए, ये देखिए सामने में क्लियर है। तो चलिए MG रोड को फिर हम कवर करके मैं आपको दिखाता हूँ। Thank you.
मेरे पीछे में आप देख रहे हैं ये महात्मा गांधी का स्टैचू, तो इन्हीं के नाम पे एमजी रोड या एमजी रोड मार्केट इस प्लेस का नाम दिया गया है। तो नियर अबाउट 200 मीटर्स के आसपास का ये पूरा मार्केट है, तो काफ़ी अच्छा है। आप इसमें एक्चुअली क्लीनिंग बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कोई गंदगी नहीं फैलाया, कोई हर एक प्रॉपर डस्टबिन में ही डिस्पोज कर रहे हैं। तो जो भी है इसका, जी मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ, नितीश श्रीवास्तव व्लॉग्स, तो व्लॉग बना रहे हैं, लोग ऐसा पूछ रहे हैं, व्लॉग तो बनाते हैं और ये सब जगह मैं कवर भी करा रहा हूँ। तो इसलिए अभी या फिर आपने देखा ये अभी 8:30 के आसपास का टाइम हो रहा है, तो 8:30 के आसपास का जो टाइम है उस समय ये आप एमजी रोड मार्केट का स्टेटस आप देख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अभी मैं आपको और कवर कराता हूँ। तो ये है महात्मा गांधी का स्टैचू।
चलिए फिर आज का व्लॉग एंड करते हैं। डे वन हमारा गैंगटॉक का ट्रिप का, तो आज हम सिलीगुड़ी से पहुँचे गैंगटॉक और शाम के टाइम में एमजी मार्ग को हमने एक्सप्लोर किया। तो डे वन का साइन ऑफ करते हैं, कल फिर नेक्स्ट डे में मैं क्या क्या विजिट कर रहा हूँ वो आपके साथ में शेयर करूँगा। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय।